मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सैटरडे भी है आज, मैं आया हूँ इसके लिए और बहुत क्राउड है, और मैं भी आया हूँ इसके लिए भी बहुत क्राउड है, और हम लोग तो हेलो वेलकम बैक कंटिन्यूटी ऑफ द लास्ट ब्लॉग। अगर आपने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा लगा तो देख लो, वी आर इन पुणे, सॉरी आई एम इन पुणे एक्सप्लोरिंग पुणे। सो अभी पहले हम लोग जैसे डिसाइडेड था हम लोग मंदिर जा रहे लगड़ू से ठलवाई के, और बहुत ट्रैफिक वाली सिटी है ये, सिटी के अंदर, और लोगों ने हेल्प किया जो थोड़ा बाहर साइड पे पार्क किया है, और अभी वॉकिंग में जा रहे, तो चलो। सो देख सक रहे हो रास्ते में कितना ट्रैफिक है, और राइट साइड में ही शनिवार वाड़ा है, पर अभी हम लोग को स्टार्ट गणपति बप्पा से करना है, इसलिए हम लोग डगड़ू से ठलवाई के मंदिर जा रहे हैं जो कि हम लोग का डिसाइडेड है पहले। तो देखो सैटरडे संडे का ट्रैफिक भी है, और वैसे भी थोड़ा ट्रैफिक होता है क्योंकि सेंटर ऑफ द सिटी है, तो इसके लिए कंसर्न करके आना थोड़ा सा ट्रैफिक को देख के, और चलो। सो एक थोड़ा सा ऊपर नीचे प्लानिंग में चेंज, हम मंदिर नहीं गए, हम लोग लाल महल आए पहले, तो क्या हो गया गूगल में दिखा रहा था 1 बजे क्लोज होने वाला है, पर इधर आने के बाद पता चला कि 5:30 बजे तक चालू रहता है, तो क्लोज नहीं हुआ और चालू है। तो यहाँ के क्लिप्स आप लोग को मैं दिखाता हूँ आगे जाके, बहुत अच्छा प्लेस है, और यहाँ के फ़ोटोज़ भी इंस्टाग्राम पे आएंगे, तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ट्रायल विथ रोहित, बहुत अच्छा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने दगड़ू सेठ हलवाई के पहले लाल महल कर लिया क्योंकि गूगल के कारण, और लाल महल के अंदर थोड़ा वीडियोस निकालना अलाउड नहीं है, पर फ़ोटोज़ आप खींच सकते हो, काफ़ी अच्छे प्लेसेस है, मैं फ़ोटोज़ आगे पॉपअप करूँगा बहुत अच्छे, और थोड़ा सा नरेशन भी दे दूँगा, काफ़ी फ़ोटोज़ लिए मैंने, बहुत अच्छा प्लेस है, आपको आना चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, पहले थोड़ा सा लेते थे शायद 1-2 रुपीज़, पर अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत अच्छा प्लेस है, यू मस्ट कम। एंड अभी हम लोग आगे इधर से जा रहे हैं टूवर्ड्स अपने मंदिर में, दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर गणपति बप्पा के, गणपति बप्पा के ब्लेसिंग्स लेंगे क्योंकि ब्लेसिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। सो स्टे ट्यून्ड एंड चलो। यहाँ पे हम लोग का गणपति का दर्शन हो गया, काफ़ी क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, सैटरडे भी है आज, मैं आया हूँ इसके लिए और बहुत क्राउड है, और मैं भी आया हूँ इसके लिए भी बहुत क्राउड है, और हम लोग ने VIP दर्शन लिया, 100 रुपीज़ का कॉस्ट है, तो वो दिखा दूंगा, वो VIP में आपका 10 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगता है, और बाकी बाहर से भी व्यू दिखाता हूँ। गणपति का दर्शन वगैरह होने के बाद रास्ते में नानावाड़ा है, तो नानावाड़ा गए थे, पर वो बंद है, वो स्कूल है, पर पहले वहाँ पे पेशवास वगैरह रहते थे, तो अभी वो बंद है, सिर्फ एक वीडियो क्लिप है, आप लोग देख सकते हो, ऐसे अलाउड नहीं है लोगों को अंदर जाना, तो फिर भी हम लोग ने एक रिक्वेस्ट करके एक स्मॉल क्लिप लिया है ताकि दिखा सके,
और चलो। सो यहाँ पे अभी हम लोग पुणे का सबसे इम्पोर्टेंट गणपति, जैसे माना की गणपति बोलते हैं, मानाची गणपति उधर आए। तो ये कस्बा गणपति है, लोकेशन सब सराउंडिंग 5 मिनट्स के वॉकिंग पे ही है, तो आप लोग आ सकते हो। गूगल के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो मंदिर अनप्लान था, पर यहाँ पे भी आके दर्शन हो गया, काफ़ी अच्छा था। और इसका फेमस है कि गणपति में यहाँ से ही सब स्टार्ट होता है, तो पहले सबसे पहले विसर्जन का, गणपति निकलने का भी यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे मैंने सुना है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ढोलताशा पदक के लिए इधर ही चाहते हैं, मतलब ये उनका सबसे फर्स्ट है। और ऐसे ही चलेगा अपना पुणे का ब्लॉग। कैसे लग रहा है आप लोग को आपने गणपति देखा? तो ब्लेसिंग्स लो और शेयर करो सब लोग के साथ, सबको ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए। एंड अभी तो आगे बहुत अच्छे अच्छे प्लेस आ रहे, तो चलो। सो अभी अपने पीछे शनिवारवाड़ा है, अभी अपन जाके एक्सप्लोर करेंगे। ये आउटसाइड है, तो यहाँ से देखते हैं क्या क्या है, बाहर का व्यू सब दिखाता हूँ ये, और अंदर क्या क्या मिलेंगे सब देखेंगे। इट्स टाइम टू एक्सप्लोर शनिवारवाड़ा। और आज सैटरडे संडे होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्दी है, बहुत ज़्यादा रश है, तो इस रश में भी वीडियोस निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि सब लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता हूँ मैं। तो देखो आप लोग भी और मजे लो। तो अभी यहाँ पे मैं अंदर आ चुका हूँ, और काफ़ी बड़ा है ये, और इसमें भी बहुत कुछ सेगमेंट्स है अलग अलग। तो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री विस्ट्री लिखी है, तो वो आगे डाल दूँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप पॉज लेके रीड कर लो। सो ये देखो काफ़ी ब्यूटीफुल सा फ्रेम है, और आप लोग को तो पता है पुणे एक्सप्लोर कर रहा हूँ ये इस ब्लॉग में, तो ये काफ़ी सेंटर ऑफ द सिटी में ही फोर्ट है, तो बहुत क्राउडेड होता है, हमेशा लोग रहते हैं, और बहुत काफ़ी मज़ेदार है। आप लोग आपके बच्चे लोग को भी लेकर आ सकते हो, और लाना भी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री उनको वर्चुअली दिखेगी तो उनको ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा विजुलाइज कर सकते हैं वो ये सब चीज़ों को। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी बच्चे लोग वगैरह है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से क्लिप्स व्लिप्स दिखाता हूँ यहाँ के, तो देखो और आओ यहाँ पे कभी तो आप पर्सनली एक्सपीरियंस करने भी। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि शनिवारवाड़ा का ये किला एकदम बीचम बीच है सिटी के, और चारों तरफ ट्रैफिक है देखो, तो
ऐसे इधर ट्रैफिक है, चारों साइड में ट्रैफिक है और ये सिटी के एकदम बीच में बहुत अच्छा प्लेस है, शांत, बहुत एकदम ठंडा है। बाहर गर्मी लग रही है पर अंदर ठंडा वेदर है और मस्ट विजिट प्लेस और बहुत पॉपुलर भी है। तो अगर पुणे आप आ रहे हो तो डेफिनेटली ये प्लेस पे आओगे। और इधर टिकट एक्सपेंस पर पर्सन 100 रुपीज़ है जो टोकन से उन लोग लेते हैं। पर पर्सन एक ग्रुप ऑफ 4 को 100 है, तो हम लोग 100 ग्रुप ऑफ 4 आए थे तो इसलिए 100 हुआ। बाकी के लोग आगे पीछे भटक रहे तो दे डोंट वॉन्ट टू कम इन माई ब्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड। तो जो नीचे से गैलरी दिख रहा था हम नीचे से व्यू ले रहे थे, तो इट्स टाइम अभी अपन ऊपर से व्यू लेंगे। काफ़ी अच्छा लाइट आया फेस पे, तो ऊपर का व्यू देखो और ऊपर से कंप्लीट दिखता है जो नीचे का पूरा ये है, तो देखो। तो शनिवार वाला घूम रहे, फुल सर्कल राउंड अप मार रहे, आप लोग को भी आके यहाँ पे एक्सपीरियंस करना चाहिए। और एक कोने से लाल महल दिखता है व्यू, मैं अभी डाल रहा हूँ आगे, देखो बहुत मस्त है व्यू यहाँ से लाल महल का, और काफ़ी अच्छा व्यू है फोर्ट का चारों साइड, सिटी के एकदम सेंटर, और छोटे छोटे स्टेयर्स है तो थोड़ा संभल के बच्चे लोग के लिए स्पेशली, बाकी तो बहुत अच्छा लग रहा है, हवा भी आ रहा है और अच्छा प्लेस है। सो मस्ट रिकमेंडेड प्लेस, एवरीवन शुड कम। दिस इज शनिवारा इन पुणे। तो यहाँ पे शनिवार वाड़ा घूम के हो गया, बहुत अच्छा प्लेस था, बहुत अच्छा वाइब्स था, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी आए क्योंकि बहुत क्राउडेड हो जाता है और कूपन भी कभी कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो कूपन भी सेव करो और अपना टर्न हो गया तो जल्दी बाहर भी आ जाना ताकि दूसरे लोग को चांस मिले। सिटी के सेंटर में है, ईजी टू लोकेट है, और फिर भी मैं गूगल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मस्ट कम प्लेस। सो स्टे ट्यून फॉर मोर और दिस इज टू बी कंटिन्यूड फर्दर। सो पुणे में FC रोड पे मोमोज बहुत कॉमन है, मतलब स्ट्रीट मोमोज बहुत हर जगह पे, तो हमने उसमें से एक ट्राई किया। ये मुंबई में भी मिलता है, पैकेट मोमोज टाइप होता है, पर सबका कुछ अपना अपना एलिमेंट होता है, तो हमने वो ट्राई किया, आपको भी ट्राई करना चाहिए, बहुत